बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साले नौ के आगाज़ में आप सब बहन भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि हमारी जंजानी जंतरी 2021 जो 74वें साल में दाखिल हो चुकी है, ये मार्केट में आ चुकी है। ये हर घर हर फर्द के लिए मुफीद यूँ है कि इसे 74 साल से हम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और अब ये हमारी ख़ानदान जंजानिया की तीसरी नस्ल में ये मुंतकिल हो चुकी है और दुआ करते हैं कि इसकी सेंचुरी मुकम्मल हो। इसके अलावा एक और जंतरी 12 इमामिया जंतरी, आजकल दुनिया के जो आप हालात देखते हैं कि दुनिया बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है, हर दौर में ऐसा होता रहा है। तो 21/12/2012 में था कि एंड ऑफ द डे, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक वक्त के इमाम इमाम ज़माना ज़ुहूर पज़ीर नहीं होंगे। ये जनाब हुज्जतुल कायम की मार्फत के लिए उनकी आमद के इंतज़ार के सिलसिले में आपकी आगाही के लिए जंतरी हर साल शाया की जाती है और ये इसके इशात का सिलसिला 2012 से जारी है। इसके अलावा लकी नंबर आइना किस्मत में और अलबिरूनी तकवीम भी मार्केट में आ चुकी है 2021 की, और आइना किस्मत हमारा मैगजीन जो है ये भी मुसलसल 74वें साल में दाखिल हो गया, ये भी माह माह शाया होता है और पाकिस्तान के हर अच्छे बुक स्टॉल पर दस्तियाब है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शाह जंजानी की वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम में टूर आज कबूली दुआ का वक्त। इससे कबल के प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, साहिब नाजुल बुलागा मौला की किताब मेरे हाथ में है और आज बहुत ही एक छोटा सा फरमान हदिया करने की सआदत हासिल करता हूँ। राज को छुपाने की अहमियत मौला फरमाते हैं और राज लोग राज नहीं रखते, ख़वातीन तो ख़ास तौर पर राज नहीं रखती, और उसके बाद ये जब से ये सोशल मीडिया आया है तो कोई सी बात हो तो पूरी दुनिया में अफवाहों की तरह फैल जाती है। मौला फरमाते हैं कि जो अपने राज को छुपाए रहेगा इसे पूरा काबू रहेगा। तो राजों की हिफाजत करना भी एक अच्छी बात है। और उसके बाद आज मैं अल्लाह ताला का नाम पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ, गनी या गनी हो इसकी आदत है 1060 दफ़ा अव्वल आखिर ग्यारह ग्यारह मरतबा दुरूद पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें। तो आज रिज़्क़ की कुशादगी के लिए आप इन अच्छे वक्त में दुआ कर सकते हैं। आज के जो अच्छे वक्त मैंने निकाले हैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आज 31 जनवरी है जनाब, आज तो इतवार भी है तो छुट्टी भी है और आज महीने का आखिरी दिन, और देखें कल महीना शुरू हुआ था आज महीना ख़त्म भी हो गया और यूं ही रोज़ो शब गुज़रते जाते हैं, ज़िंदगी हमारी तमाम होती रहती है। आज का जो निसफ शब का टाइम है ये 1:36 से लेके 2:08 का टाइम है। इससे आगे पीछे आप तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं और फजर के बाद भी दुआ करें। और इसी दिन 12:56 से लेके 12:55 ये भी कबूलियत दुआ का वक्त है, और इसके करीब तरीन आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो आपको अजान ज़ोहर भी मिलेगी और उसके बाद भी आप दुआ कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ के भी दुआ कर सकते हैं और इस वक्त भी दुआ कर सकते हैं। और तीसरा वक्त आप अपने मुकामी और मियारी वक्त के मुताबिक जब अजान मगरब सुने मौज़न के साथ दोहराएँ, बाद अज़ नमाज बाद अज़ अजान दुआ करें और नमाज भी पढ़ें, और बाद अज़ अजान के आप जो भी दुआ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी की दुआ बारगाह खुदाबंदी में इस नेक अमल के वसीले से पूरी होगी, नेकियाँ भी आपके नामा माल में लिखी जाएंगी। अपनी दुआओं की यकीनी कबूलियत के लिए अब आखिर आला ग्यारह मरतबा कोई सा दोषी ज़रूर पढ़ें। आज के लिए इतने ही शाह जंजानी को इजाज़त दीजिएगा।